रोवर तैयार किया जिसके माध्यम से हम लोग चंद्रमा के साउथ पोल तक पहुंचने वाले पहले देश बन गए। लेकिन वो एक वाक्य बोलते हैं जो हमारे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। वो वाक्य क्या था? वो वाक्य ये है, वो कहते हैं कि यूरोप के अंदर ये जितनी नॉलेज गई है ये सारी अरब के रास्ते से गई है और ये नॉलेज सारी सारी वेदों के अंदर से गई। इसका मतलब यह वेदों में सारा विज्ञान पहले से, और जब इतना बड़ा वैज्ञानिक इसरो का चीफ बोलता है तो इसका मतलब यह है कि कुछ न कुछ वेद को लेकर के सच बात में जरूर शुरू हो गई। बहुत सारी पढ़ाई वेद को लेकर के शुरू हुई है, लेकिन मैं आप लोगों के अंदर वो आत्मविश्वास जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। राम कृष्ण के वंशज हुआ जिनकी दुनिया में पूजा होती है, जिनको दुनिया में सेवोर माना जाता है। ब्रिलियंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया ऑफ भारत, ब्रिलियंट गुरुकुल। मैंने एक आचार्य होता है और आचार्य के संरक्षण में हजारों हजारों विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। और प्यारे बच्चों, में एक चीज जो आप लोगों से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस देश के अंदर जब तक गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम रहा तब तक ये देश विश्व का गुरु रहा। और इस गुरुकुलीय एजुकेशन सिस्टम में भारत को अलग अलग तरह के विशेषण दुनिया ने दिए हैं, और विशेषण मैंने एडजेक्टिव्स ऐसे ऐसे लगाए। उनसे एक विशेषण दिया था सोने की क्रिया, जोर से बोलो सोने की क्रिया। वो चाहते तो वो भी अंग्रेजों की मुगलों की गुलामी से निजात पा सकते, लेकिन पांच साल का बेटा, पांच साल का बच्चा, कितना उम्र होती है पांच साल? एक पांच वर्ष का बच्चा, एक सात वर्ष का बच्चा है,